अब देखो ये जीएसटी कब आएगा, नहीं तुम्हारा देखो सीजीएसटी आ गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इनका सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है लेकिन एसजीएसटी आ ही नहीं रहा है। अब ये परेशान है कि एसजीएसटी क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण जो इन्होंने बहुत कॉमनली किया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जबकि आप बिगिनर होते हैं तो अभी हमको कहाँ चलना है, गेटवे ऑफ टैली पर चलना है और अल्टर पे चलना है क्योंकि हम लेजर को अल्टर करना चाहते हैं। तो जब आप बिगिनर होते हैं तो जल्दी जल्दी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जो इन्होंने की हैं। अब आइए देखते हैं क्या गलती की है इन्होंने। तो यहाँ पर एसजीएसटी के लेजर को हम अल्टर करते हैं, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर एसजीएसटी ठीक बनाया इन्होंने, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप भी सही रखा, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जीएसटी की जगह अदर कर दिया है, जिसकी वजह से इनका टैक्स कैलकुलेट होने से रहा। अब जैसे ही जीएसटी करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट टैक्स आ जाएगा और फिर यहाँ पर राउंडिंग मेथड आप लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर 2-3 कुछ भी कर सकते हैं एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये लेजर सही हो गया। अब जब आप एंट्री पास करने जाएंगी तो ये काम हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे दे दिया सप्लायर का इनवॉइस नंबर, वो डेट आ गई जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लिया हमने और एंटर प्रेस किया, यहाँ पर जीएसटी आई एन फिल कर सकते हैं। अगर नहीं भी फिल किया तो अभी कोई बात नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर 30 आइटम हम खरीद रहे हैं कीबोर्ड के, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया सबसे पहले तो सीजीएसटी, तो सीजीएसटी तो कैलकुलेट हो गया। आप देखते हैं एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ या नहीं, पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये गलती अगर होगी तो इस तरह की दिक्कत आएगी, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।